ಸೋಪಾನಂ ದರ್ಶನಂ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನಂ. ಅರ್ಹಂತೋ ಭಗವಂತ ಇಂದ್ರಮಹಿತಾ ಸಿದ್ಧಾಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಥಿತಾ ಆಚಾರ್ಯೋ ಜಿನ್ ಸಾಸನೋ ನಕ್ತಿಕರಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯತಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸುಪಾಠಕ ಮುನಿವರ ರತ್ನತ್ರಯ ರಾಧಕ ಪಂಚೈತೆ ಪರಮೇಷ್ಟಿನಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕುರುವಂತು ಮಂಗಳಂ. ಜಿನ ಶಾಸನ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಆಜ್ ಸೆ 2600 ವರ್ಷ ಪಹಲೆ ಪ್ರಭು ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ನೆ ಕಿ. ಪ್ರಭು ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಕೆ 24ವೇ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಥೆ. ಜೀವನ ಮೇ ಮೋಕ್ಷ ಪಾನೆ ಕೆ ಹರ ರಾಸ್ತೆ ಪರ ಪಹಲೆ ಸ್ವಯಂ ಚಲೆ, ಜಿಸ್ಮೇ ಭವ್ಯ ಸಫಲತಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಜಗತ್ ಕೋ ಬತಾಯಾ ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮೋಕ್ಷ ಪಾನೆ ಕಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವಾ ಹೈ ಔರ್ ಪಿಛಲೆ ಜನ್ಮೋ ಮೇ ಕಿಯೇ ಹರ ಬಂಧನ್ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಹೋನೆ ಕಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗ ಹೈ. ತಪ, ಧರ್ಮ, ದಯಾ ಇನ್ ಬಾತೋ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪ್ನೆ ಜೀವನ ಮೇ 12.5 ಸಾಲ ತಕ್ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಬಾದ್ ಮೇ ಮೋಕ್ಷ ಕೆ ಪರಮ ಪದ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿಯಾ. ಸಾರೆ ವಿಶ್ವ ಕೋ ಅಹಿಂಸಾ ಏವಂ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ದಿಯಾ. ತೋ ಆಯೇ ಹಮ್ ಚಲೆ ಉಸ್ ಮಹಾಪುರುಷ್ ಕಿ ಜೀವನ ಯಾತ್ರಾ ಕಾ ದರ್ಶನ ಕರ್ನೆ ಜಿನ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಆಜ್ ತಕ್ ಸಬ್ನೆ ಸುನಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ದೇಖಾ ಕಿಸೀನೆ ನಹೀ. अपने 27वें जन्म में तीर्थंकर पद प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया. अपने 26वें जन्म में वे स्वर्ग देवता के रूप में पुष्पत्तर विमान से प्रयाण कर रहे थे, जहां नंदन पानी देव के हाथों उन्हें देव पद प्राप्त हुआ. दिव्यात्मा, पृथ्वी के लाखों जीव मुक्ति की लालसा में आपके प्रागत्य की आतुरता से राह देख रहे हैं. आप क्यों अपने इस भव्य कर्तव्य में देर कर रहे हैं? अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने विश्व की कई आत्माओं को तरह तरह के कष्टों से दुखी होते हुए देखा. प्रभु महावीर स्वामी को अपने आने वाले जन्म के कर्तव्य की याद आ गई. प्रभु महावीर स्वामी ने देवलोक से सीधे माता देवनंदा की गोद में गर्भ के रूप में प्रवेश किया.
उस समय देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। देवराज इंद्र ने देखा कि प्रभु महावीर स्वामी ने ब्राह्मण कुल में देवनंदा की कोख में गर्भ के रूप में प्रवेश किया है। उन्होंने सोचा, ये तो एक तीर्थंकर की आत्मा है, उसे किसी क्षत्रिय कुल में जन्म लेना चाहिए। देवराज इंद्र ने अपने प्रिय सेवक देव हरिनंदा ऋषि की सहायता से देवनंदा और माता त्रिशूला की कोख में रहे गर्भ को फिर बदल करवा दिया। महाराज की जय हो। आपकी निद्रा में भंग के लिए क्षमा चाहता हूँ। महाराज, महारानी त्रिशला आपसे मिलना चाहती है। महारानी त्रिशला इस वक्त? उन्हें आदर के साथ अंदर ले आइए। क्या बात है महारानी, इस वक्त हमसे मुलाकात की जरूरत पड़ गई। स्वामी, अभी अभी मैंने निद्रा में 14 भव्य स्वप्न देखे जो अति धार्मिक थे। मुझे ऐसा लगता है इसका अवश्य कोई तो अर्थ है जो हमें आने वाले भविष्य का निर्देश कर रहे हैं। शांत हो जाइए महारानी, हम आपकी समस्या को अवश्य सुलझाएंगे। हम इस बारे में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों की राय लेंगे। आप सब अपने ज्ञान का उपयोग करके हमारे प्रश्नों को सुलझाइए। महाराज की जय हो। आपके बताए हुए हर स्वप्न का अभ्यास करने के बाद हम सब एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि महारानी त्रिशला देवी की कोख से एक ऐसी महान आत्मा का जन्म होने वाला है जो सारे जगत का उद्धार करेगा।
धर्म, दया तथा अहिंसा का महान उपासक बनेगा और सारे जगत को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। सुंदर, अति सुंदर, हमें यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। मुनिवर, आप अपना स्थान ग्रहण करें। देखा महारानी, अब तो आपके मन को समाधान हुआ। मंत्री जी, यह बहुत ही आनंददायी समाचार है। सारे राज्य में घर घर मिठाइयां पहुंची जाए और गरीबों को अन्न और द्रव्यों का दान किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। जैसे काली अंधेरी रात में चंद्रमा धीरे धीरे अपनी सामान्य चमक पाता है, वैसे ही तीर्थंकर महावीर धीरे धीरे महारानी त्रिशला की कोख में पल रहे हैं। माता त्रिशला अपनी कोख में पल रहे बच्चे की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है और उसकी रक्षा कर रही है। वो अपने दर्द और अस्वस्थता को शांति एवं प्रसन्नता से सहन कर रही है। अंदर गर्भ में तीर्थंकर ये सोच रहे हैं कि उनके अवयवों के हिलने से माता को तकलीफ हो रही होगी। वे पृथ्वी पर केवल इसलिए जन्म ले रहे हैं ताकि किसी को कोई कष्ट न हो और वे सबकी भलाई करें। फिर वे गर्भ में होते समय माता को कष्ट कैसे दे सकते हैं? इसलिए वे माता के गर्भ में गतिहीन होकर लेटे रहे। गर्भ में प्रभु के हलन चलन बंद करने से माता त्रिशला चिंतित हो गई। क्या बात है महारानी जी, आप इतनी चिंतित क्यों है? मुझे अपने गर्भ में कोई चलन महसूस नहीं हो रही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। लगता है महाराज को ये बात बतानी चाहिए। जो आज्ञा महारानी जी। महाराज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कुछ समय से मैं अपने गर्भ में कोई चलन महसूस नहीं कर रही हूँ। मुझे बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। ऐसे अशुभ बात मत कहिए महारानी जी, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। मुझे यकीन है चिंता करने लायक कोई बात नहीं होगी। महाराज और महारानी होने वाली संतान के प्रति चिंतित है, इसलिए पूरे राज्य में सन्नाटा छाया हुआ है। दरबार के सारे मनोरंजन बंद कर दिए गए हैं। कोई भी नाट्य या संगीत का कार्यक्रम पूरे राज्य में नहीं हो रहा है। चिड़ियों ने चहकना छोड़ दिया है, बच्चे खेल नहीं रहे हैं और पूरे राज्य में एक भी मुस्कुराता चेहरा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा विश्व ही शांत। तीर्थंकर ने गर्भ में अपनी दिव्य शक्ति से ये अनुभव किया कि उनके माता पिता और राज्य की प्रजा उनकी चिंता में दुखी और कष्टी हो गए हैं। उन्हें ये प्रतीत हुआ कि माता की पीड़ा दूर करने के उनके प्रयास ने विपरीत प्रभाव किया है। उनकी माता और अधिक पीड़ा में आ गई हैं। इसलिए गर्भ के भीतर तीर्थंकर ने धीरे धीरे इस तरह चलन शुरू किया जैसे झील में मछली हलचल करती है। क्या कह रही है? ये समाचार सारे राज्य में फैल गए और चारों तरफ उत्सव का वातावरण पुनः स्थापित हो गया। गर्भ में तीर्थंकर ये सोच रहे हैं कि उनकी माता ने तो अभी तक उन्हें देखा भी नहीं है, फिर भी वे उनसे इतना असीम प्रेम करती हैं। कल को जब वे इस पूरे संसार को त्याग देंगे तब उनके माता पिता की क्या हालत होगी? तीर्थंकर ने गर्भ में ही एक वचन लिया कि वे अपने माता पिता के जीवित रहने तक गृहस्थ जीवन का पालन करेंगे। माता पिता के देहांत के बाद ही
वे इस जग को त्याग देंगे। इस प्रकार उन्होंने जन्म से पूर्व ही अपने माता पिता के प्रति निष्ठा दिखाई। दिन बीत रहे थे। विक्रम युग शुरू होने से 543 वर्ष पूर्व ग्रीष्म ऋतु के चैत्र मास का वो 13वां दिन था। मध्यरात्रि के समय जब तारामंडल में हस्तोतरा उभर रहा था, तब गर्भ ने 9 महीने 7 दिन पूरे किए थे। महारानी त्रिशला ने उस समय एक बालक को जन्म दिया। प्रभु का जन्म होते ही देवलोक में इंद्र एवं अप्सराओं के सिंहासन कंपायमान हुए। देव एवं अप्सराएं प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए तत्पर हुए। 56 स्वर्गीय अप्सराएं पृथ्वी की ओर आने लगी। एक जन्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो वर्धमान नो नाम दरीने प्रगट्यो तेज सितारो एक जन्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो धान बद्या धरती ना पेटे नीर बद्या सर बरियाना चंद्र सूरज ना तेज वध्या ने संप वध्या सब मानव ना दुख ना दिवसो दूर गया ने आव्यो सुख नो दाड़ो एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो वागे छे शरणाई खुशी नी सिद्धार्थ ना आंगणिये हेते ही चोले त्रिशला रानी वीर कुवर ने पारणिये प्रजा बनी आनंद खेली घर घर उत्सव आयो एक जन्म्यो राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो एक जन्म्यो राज दुलारो। दैवी जगत के स्वामी शक्र इंद्र ये जानते थे के तीर्थंकर ने पृथ्वी पर जन्म लिया है। अन्य देव और देवियों के साथ वे तीर्थंकर के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा दिखाने के लिए पृथ्वी की ओर भ्रमण करने लगे। शक्र इंद्र ने 3 बार माता त्रिशला और तीर्थंकर की प्रदक्षिणा की। उनका हृदय निष्ठा से भरा था और उन्होंने बड़े ही भक्तिपूर्ण भाव से तीर्थंकर को नमस्कार किया। तीर्थंकर को मेरु पर्वत पर ले जाने की उनकी मनीषा थी। उन्होंने तीर्थंकर से अनुमति मांगी। तीर्थंकर से अनुमति पाते ही उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए त्रिशला को अवसवापिनी निद्रा में गहरी नींद में सुला दिया। महावीर के प्रति निष्ठा की भावना से अभिभूत शक्र इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा अपने शरीर से 5 विभिन्न शरीरों का निर्माण किया। पहले शरीर से उन्होंने बालक को अपने हाथ में उठाया, दूसरे 2 शरीरों से हवा करना शुरू किया, चौथे शरीर से उन्होंने बालक को धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर छाता धर लिया और 5वें शरीर से वे अपने हाथों में गड़गड़ाहट पकड़कर इस यात्रा के अग्रभागी रहकर उसे आगे बढ़ाने लगे।
शक्र, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को तीर्थंकर के शुद्धिकरण के धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिला। उन्हें तीर्थंकर की निष्ठा पूर्वक सेवा करने का भी ईर्ष्या पूर्वक अवसर मिला। इंद्र, जिन्होंने 5 शरीर धारण किए थे, तीर्थंकर को लेकर मेरु पर्वत पर आए। महाविदेहा क्षेत्र में मेरु पर्वत 4 मील की ऊंचाई पर स्थित था। वहां पर स्वर्ग जैसा सुंदर एक उपवन था, जिसे नंदनवन कहते थे। इस नंदनवन में प्रकृति की सुंदरता अनेक प्रकार के रंग बिरंगी और सुगंधित फूलों में दिखाई देती थी। शक्र इंद्र तीर्थंकर को पांडुका जंगल में लेकर गए। वहां पर दक्षिण की ओर स्थित एक बड़ी सी चट्टान पर वे पूरब की ओर मुख करके तीर्थंकर को गोद में लेकर बैठे। वहां पर सुवर्ण और चांदी के बर्तन भी थे, जिनमें हीरे जड़े हुए थे। इन बर्तनों में तीर्थ क्षेत्रों का पवित्र जल भरा हुआ था और पवित्र नदियों एवं समंदर में मिलने वाली सुगंधित जड़ी बूटियां थी। ये कितना अद्भुत क्षण होगा, पवित्र क्षण होगा, जब उन बर्तनों से तीर्थंकर की काया पर जल बरसाया जाएगा। तीर्थंकर का जीवन इतना शालीन और अद्भुत था कि इंद्र के मन में कई प्रकार की भावनाएं एवं अनेक प्रतिरूप उठने लगे। एक बालक होते हुए भी तीर्थंकर को ये तुरंत पता चल गया कि इंद्र के मन में कुछ विचार उठ रहे हैं। उन्होंने अपने दाहिने पांव की उंगली मेरु पर्वत पर दबाई, जिससे पर्वत में अचानक जोरों की आवाज हुई। पृथ्वी पूरी तरह से थरथराने लगी और पर्वत का शिखर मानो कांपने लगा। प्रभु के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ये दुर्घटना घटने से इंद्र अत्यंत कोपायमान हो उठे। जाओ, अभी जाकर उसे ढूंढ निकालो, जिसने इतनी महत्वपूर्ण घड़ी में इतने दुष्टता का प्रदर्शन किया है, जो हमारी खुशियों का अंत करना चाहता है, उसे तुरंत ढूंढ के लाओ। देवों के स्वामी इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति से ये जाना कि जिस बालक की स्नान विधि आरंभ होने वाली थी, वही बालक इस भूकंप का प्रणेता था। वे विचार करने लगे कि बालक ने ऐसा क्यों किया। उन्हें यह भी अनुभूति हुई कि वो बालक उनके मन में जागृत हुई भावनाएं जानता था और उसने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन केवल एक उंगली से दिखाया था। हे पूजनीय देव, मैंने आपके सामर्थ्य पर शक किया था। मैंने ये सोचा कि क्या आप एक बालक होकर भी इस पानी के भार को सहन कर पाएंगे, किंतु मैं गलत था। आप में तो इतना सामर्थ है कि केवल एक उंगली दबाकर आपने मेरु पर्वत पर भूकंप करवाया। हे पूजनीय देव, मेरी इस गलती के लिए मुझे क्षमा करें। भगवान इंद्र के आदेश पर सारे देव तीर्थंकर पर पवित्र जल बरसाने लगे। इंद्र ने स्वयं ह्यूम पर जल डाला। तीर्थंकर को स्नान कराने पर इंद्र ने उनके शरीर पर सुगंधित पदार्थों का लेप लगाया और उनके सामने नृत्य करते हुए उनकी दीपों से आरती उतारी। सारा वातावरण भक्ति से भरा था, जिसमें संगीत, नृत्य और गायन था। ये सब पूरी रात चलता रहा। अंत में इंद्र बालक को अपने हाथों में उठाकर वापस उसके घर ले जाने लगे। वे क्षत्रिय कुंड पहुंचे और उन्होंने धीरे से बालक को त्रिशला के पास लिटाया और वे स्वर्ग की ओर रवाना हो गए।
महाराज सिद्धार्थ ने इस शुभ अवसर को इतने उत्साह से मनाया कि गरीब लोग अपनी गरीबी भूलकर और कर्जदार अपने कर्ज को भूलकर भक्ति एवं भावना युक्त गीत गाने लगे और पूजा में लीन हो गए। इस परिवार के सारे सदस्य एवं रिश्तेदार, मुझे आप सबको ये बताना है कि इस बालक की आत्मा ने जब से रानी त्रिशला के गर्भ में प्रवेश किया है, तब से हमारे खुशियों में और धन की मात्रा में वृद्धि हो रही है। पिछले कई दिनों से मेरे मन और हृदय में भी केवल अच्छे और पवित्र विचार ही आते रहे हैं, इसलिए क्यों ना हम इसे वर्धमान कहें? युवराज वर्धमान की जय हो, युवराज वर्धमान की जय हो। वर्धमान बड़े हो रहे थे, उनके शौर्य और साहस की कथाएं इंद्र दरबार में चर्चा का विषय बन चुकी थी। वर्धमान एक निर्भय, साहसी और सशक्त युवक बन गए हैं। उनकी निर्भयता, उनका साहस और उनकी बुद्धिमता अद्वितीय है। मैंने आज तक उनके जैसा कोई नहीं देखा। देवलोक में कई देवता वर्धमान की ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक देवता ने वर्धमान को डराकर उनकी पराजय करने का निर्णय किया। 8 साल के वर्धमान एक दिन नगर के बाहर अपने मित्रों के साथ अंबा पिपली खेल रहे थे। उसी समय स्वर्ग लोक के उस देवता ने वर्धमान की परीक्षा लेने हेतु सर्प का रूप धारण कर उन्हें डराने की कोशिश की। सब बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़ गए। वर्धमान ने सर्प को देखा और वो सर्प की ओर आगे बढ़ने लगे। जैसे सर्प ने जाना कि वर्धमान उसके पास आ रहे हैं, वो पलटकर वर्धमान को डराने की कोशिश करने लगा। वर्धमान ने उसे पूंछ से पकड़कर ऐसा घुमाया कि जैसे कोई रस्सी को घुमा रहा हो और फिर उसे दूर फेंक दिया। चलो आओ हमारा खेल वापस शुरू करें। ये बालक शूर है, लेकिन मुझे इसकी और भी परीक्षा लेनी है। वर्धमान और उनके मित्र अब दूसरा खेल खेल रहे थे। उस देवता ने एक 8 साल के बच्चे का रूप धारण किया और वो उनके साथ खेल में शामिल होने आए। हे मित्रों, मैं अपने चाचा के गांव जा रहा हूँ, क्या मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ? वर्धमान ने अपनी दैवी शक्ति से उस देवता को पहचाना। ठीक है मित्र, तुम हमारे साथ खेल सकते हो, लेकिन तुम्हें पारी लेनी होगी। जरूर, मैं तैयार हूँ। खेल के दरमियान उस देवता ने
भयानक राक्षस का रूप धारण किया। ये दो महावीर थे। वर्धमान ने अपनी अपार शक्ति दिखानी शुरू की। वर्धमान ने राक्षस को अपनी शक्ति का परिचय दिया और राक्षस को धराशायी कर दिया। देवता अपने असल स्वरूप में प्रकट हुए और वर्धमान से क्षमा मांगने लगे। मुझे माफ करो, माफ करो, मुझे छोड़ दो। मैं आपको समझ न सका। आपकी शक्ति अपरंपार है। दंड केवल इसलिए किया जाता है कि जिसने गलती की है उसे गलती का एहसास दिलाया जाए। तुम्हें गलती का एहसास हो गया है। देवों के दरबार में उस देव ने वर्धमान के अपरिमित सामर्थ्य एवं शक्ति की पूरी कथा सुनाई। मेरे पास जितनी शक्ति है उससे कई गुना ज्यादा शक्ति वर्धमान के पास है। वर्धमान केवल शूर और साहसी नहीं बल्कि वे एक वीर हैं। इसीलिए आज से वे एक वीर या महावीर के नाम से जाने जाएंगे। कीर्तन कर महावीर की जय हो। कीर्तन कर महावीर की जय हो। वर्धमान एक सुंदर नौजवान राजकुमार बन चुके थे। जियो और जीने दो के सिद्धांत के साथ अपने जीवन पथ पर आगे चल रहे थे। वो अपने माता पिता और बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे। वर्धमान संसार के किसी भी बंधनों में बंधना नहीं चाहते थे। अपने बड़ों के प्रति आदर और प्रेम की वजह से वसंतपुरा के राजा समरवीरा की सुपुत्री यशोदा से उन्होंने विवाह किया। गृहस्थ जीवन काल में वर्धमान को एक पुत्री हुई। उसका नाम रखा गया प्रियदर्शना। अपनी पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शना के साथ गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी वर्धमान का मन संसार से विरक्त था। उनकी खोज कुछ और ही थी, उनका ध्येय कुछ और ही था। क्षत्रिय कुंड में शाही घराने के दिन प्रसन्नता से व्यतीत हो रहे थे। समय रुकता नहीं, काल चक्र ने समय के साथ महाराजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला को अपनी असीम गहराई में समा लिया। दोनों आत्माओं ने साधना में देह त्याग किया। वर्धमान को अपना रास्ता साफ नजर आ रहा था और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन को वर्धमान राजा के रूप में नजर आने लगे। वर्धमान, मैं आपको राजा के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं आपका राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। भैया, मेरा राज्य तो प्रेम और करुणा का राज्य है और इस राज्य को जीतने के लिए मुझे इस जगत का त्याग करना होगा। वर्धमान, मैं आपके उच्च विचारों का आदर करता हूँ, लेकिन माता पिता की मृत्यु का दुख अभी ताजा है। कम से कम 2 साल तक आप ये संसार त्याग का विचार छोड़ दें। ठीक है भैया, लेकिन 2 साल के बाद आप मुझे रोकेंगे नहीं। इस तरह 1 साल समाप्त हुआ। देवलोक से 9 लोकांतिक देव वर्धमान के सामने प्रकट हुए। हे पूजनीय देवो, प्रणाम। आप सभी मान्य वरों को एक साथ अपने समक्ष पाकर मैं धन्य हुआ। आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हे प्रभु, भक्ति के मार्ग की स्थापना करें। जगत के सारे जीव शांति और कल्याण के मार्ग की आतुरता से राह देख रहे हैं। यह तो एक बहुत ही सुखदायी इच्छा है, जो समस्त जीवों की शांति
और कल्याण के लिए है। मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा। दीक्षा के एक साल पहले ही वर्धमान ने दान धर्म करना शुरू किया। वे दान देते गए, यहां तक के अपने लिए फूटी कौड़ी भी नहीं बचाई, और यही एक सच्चे सन्यासी की पहचान है। हे मेरे प्रियजनों, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। आपने मुझे संसार को त्यागने की अनुमति दी। यह एक दुर्लभ क्षण है, क्योंकि इस त्याग में आप सबकी अनुमति है। सभी की आत्माएं प्रसन्नता से रोमांचित हैं। भैया, मैं आपकी व्याकुलता और मेरे प्रति अपार प्रेम को समझ सकता हूं। आज आपने अपनी सारी अभिलाषाओं पर विजय प्राप्त करके अपना स्थान और भी ऊंचा कर लिया है। यशोदा प्रिय, तुम्हारी समझदारी की तरह तुम्हारी भावनाएं भी उत्तम है। आज तुम्हारे प्रति मेरे दिल में सम्मान अधिकाधिक बढ़ गया है। एक क्षत्रिय की पत्नी अपने पति को रणभूमि की ओर विदा करने से पहले उसके माथे पर शुभ चंदन का तिलक लगाती है। हे मेरे नाथ, आप तो जगत विजेता है। आपका यह त्याग समस्त जनों के कल्याण के लिए है। मेरी यही कामना है कि आप इस संसार के समस्त कष्टों को खत्म करें, अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल करें। आप इस जगत के सर्वोच्च उद्धारक बने। आपकी यादें हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। अंततः वो घड़ी आ ही गई जब राजकुमार वर्धमान तीर्थंकर महावीर बनने निकल पड़े। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का वो दसवां दिन था। वर्धमान ने पवित्र जल से अपना अंतिम स्नान किया। उन्हें चंदन का सुगंधित लेप लगाया गया। दैवी फूलों से बनी मालाएं उनके गले में पहनाई गईं। सफेद वस्त्र में हीरे जवाहरात से सजे हुए महावीर इतने सुंदर लग रहे थे कि सब उनको बिना पलक झपकाए निहार रहे थे। प्रासाद के बाहर चंद्रप्रभा पालकी तैयार खड़ी थी। बड़ी मात्रा में देवी देवताएं एवं हजारों लोग इस शुभ अवसर पर उपस्थित थे। स्वयं इंद्र भगवान और अन्य देवताओं ने मिलकर पालकी को उठाया। ये शानदार शोभा यात्रा, जिसमें हजारों की मात्रा में लोग, देवी देवताएं और कई प्राणी शामिल थे, आगे बढ़ने लगी और अंत में नगर की सीमा पर स्थित नतक वंदना बाग में पहुंची। नतक वंदन बाग में अशोक के पेड़ के नीचे वर्धमान ने अपने गले की मालाएं और जेवर त्याग दिए। उन्होंने अपनी उंगलियों से अंगूठियां निकाली, माथे पर से मुकुट उतारा, कानों से कुंडल निकाले, बाजुओं से बाजूबंद उतारे, गले से मालाएं उतारी। उनके कुलवंश की आदरणीय स्त्री इक्ष्वाकु ने वहां पर आकर सारे जेवर समेट कर एक सफेद रेशमी वस्त्र में बांधे। हे राजकुमार, धन्य हो, आपका परिवार धन्य है, आपकी वंश परंपरा धन्य है आपके निर्मल हृदयी माता पिता। आप जो महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला के पुत्र हैं, इक्ष्वाकु कुल वंश और कश्यप वंश परंपरा की संतान है, आज इस शुभ मार्ग पर जा रहे हैं। आपकी वीरता तो इस पूरे जगत को ज्ञात है, इसलिए लोग आपको महावीर कहते हैं। पिछले कर्मों के विरुद्ध आप अपनी वीरता दिखा रहे हैं। अपने वचनों का अनुपालन करने में शूरता और सावधानी का प्रदर्शन करें। मैं आपसे अधिक क्या कहूं? आप तो सर्वज्ञानी हैं। मैं आपको क्या सलाह दूं, जबकि आप स्वयं पूर्ण ज्ञान का सागर हैं।
भगवान महावीर ने 2 दिन उपवास रखने का वचन लिया। दिन के 4 समान भाग करने पर चौथे और अंतिम भाग में जब चंद्रमा उत्तरी फाल्गुन तारामंडल से समुच्चय बोध होता है तो उस पवित्र क्षण को विजया कहते हैं। महावीर ने इस क्षण में अपने ही हाथों से अपने सिर के बाल और अपनी दाढ़ी मूछे केवल 5 मुट्ठियों में भरकर निकाले। समस्त जगत को नमस्ते कर महावीर ने एक साधु का जीवन अपनाया और अपने जीवन काल का सबसे कठोर वचन लिया। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन सम्मचित्तता का आध्यात्मिक अभ्यास करूंगा और आत्मा को मलिन करने वाली सारी आदतों को छोड़ दूंगा। प्रभु महावीर के दीक्षा ग्रहण करने पर वातावरण प्रसन्नता से भर गया। सारे संसार में मानो परम सुख की एक लहर सी दौड़ गई। हे महावीर, आज ये तीनों जग धन्य हुए। धन्य हुआ आज ये पूरा मानव समाज। आज 24वें तीर्थंकर के पवित्र दीक्षा के अवसर पर मैं आपको आपका शरीर ढकने के लिए ये वस्त्र देवदुष्य प्रदान करता हूं। कृपया आप इसे अपनाकर मुझे धन्य करें। महावीर जन्म से ही 3 प्रकार के ज्ञानों से अवगत थे। अब वे 4थे प्रकार के ज्ञान से भी अवगत हुए, जिससे वे दूसरों के मन की बात पढ़ने लगे। प्रभु महावीर की दीक्षा के शुभ अवसर पर मानव समुदाय के साथ साथ स्वर्ग लोक के देवता भी बड़ी मात्रा में सम्मिलित हुए। तीर्थंकर महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धना उन्हें विदा करने आए। हे वर्धमान, आपका यह सब कुछ त्याग देना हृदय द्रावक है। आपने इस मोक्ष की यात्रा पर पहला कदम उठाया है। आप इस यात्रा में पूरी तरह से अकेले हैं। आपके साथ कोई दोस्त, भाई, सगे संबंधी या अन्य सन्यासी नहीं हैं। मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगा? तीर्थंकर महावीर ने अपनी इस मोक्ष की यात्रा का पहला कदम तो जीत लिया था। प्रभु महावीर की विदाई से नंदीवर्धन टूट गए। प्रभु महावीर ने संसार के सर्व जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाने की दिशा में प्रयाण आरंभ किया। चालो रे जाए वैरागी, रुड़ा राज महल ने त्यागी, पेलो चालो रे जाए वैरागी। नथी कोई एनी संगाथे, नीचे धरती ने आभछे माथे, ये तो निकलो खाली हाथे। इन लगनी अनेरी लागी, पेलो चालो रे जाए वैरागी, रूड़ा राज महल ने त्यागी, पेलो चालो रे जाए वैरागी, पेलो चालो रे जाए वैरागी, पेलो चालो रे जाए वैरागी। गहरे चिंतन और ध्यान के आध्यात्मिक अभ्यास को महावीर ने प्रारंभ किया। इस संसार को त्याग करने के समारोह के समय जो सुवासिक चंदन का लेप और सुगंधित फूलों की मालाएं उन्हें पहनाई गई थीं, वो अभी भी उनके शरीर पर थीं।
महावीर के शरीर से फैलने वाली सुगंध से नौजवान युवक उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। कोई उनसे ये सुवासिक लेप मांग रहा था तो कोई ये लेप उनके शरीर से रगड़ कर निकाल रहा था, और ऐसा करते समय वो अपने नाखूनों से महावीर के शरीर पर जख्म कर रहे थे। इस सुगंध से मोहित होकर युवा स्त्रियां महावीर के प्रति पागल हो गईं। वो उनसे उनके प्रेम की भीख मांगने लगी। इस सुगंध ने जंगली कीड़ों को भी पीछे नहीं छोड़ा कि महावीर के शरीर को डंक करने लगी। इससे इतने गहरे घाव हुए कि उनमें से रक्त बहने लगा। महावीर ने इन परेशानियों को चार मास तक सह लिया, लेकिन उनके मुख पर कहीं भी नाराजगी, गुस्सा या दुख नहीं दिखाई देता था। उनका ध्यान बिना रुकावट चलता ही रहा। प्रभु मोर का छोड़कर सुतावी नगरी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर चंड कौशिक नाम का सांप है जो सारे क्षत्रियों को मार डालता है। हे चंड कौशिक, शांत रहो, स्वयं पर नियंत्रण रखो। महावीर की बातें सुनकर चंड कौशिक को अपना पिछला जन्म याद आया। पिछले जन्म में चंड कौशिक 500 तापस सन्यासियों का मुख्य था। एक दिन कुछ राजकुमार उनके आश्रम में फल तोड़ने आए। इन्हें देखते ही चंड कौशिक अपना आपा खो बैठा। भागो, भागो! और क्रोध में उसने रास्ते का एक गड्ढा नहीं देखा, वो उसमें गिर पड़ा और कुल्हाड़ी उसके सिर में लगकर उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह क्रोध के कारण मृत्यु पाने के बाद उसने विषैली किरणों वाले जहरीले सांप चंड कौशिक के रूप में जन्म लिया। चंड कौशिक बुद्ध्यस्व बुद्ध्यस्व ननु मां। सर्दी का मौसम था, बर्फीली चुभने वाली ठंडी हवा चल रही थी। थालितियां गांव के एक सुंदर बाग में प्रभु महावीर ध्यानमग्न थे। एक देवी ने महावीर को देखा। पिछले जन्म में जब महावीर वासुदेव थे तब विजयवती रानी को उन्होंने दुत्कार दिया था। विजयवती इस समय कठपुतना के रूप में देवी थी। उन्होंने अपने पिछले जन्म का बदला लेने के लिए महावीर का ध्यान भंग करने का विचार किया। कब तक नहीं हिलोगे महावीर? आज मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। हा 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 हा। तुझे यहाँ से भगा कर ही रहूंगी। हा 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 हा। प्रभु महावीर के ध्यान को भंग करने के लिए कठपुतना ने उन पर ठंडी बर्फ और पानी तथा हवा की बौछार लगातार जारी रखी। लेकिन ये तो महावीर वीरों के वीर। महावीर कठपुतना के किसी भी प्रयास से विचलित नहीं हुए, न ही उनके चेहरे पर कोई भाव आया। अद्भुत, अति अद्भुत, धन्य है उनकी सहनशीलता। हे महावीर, मुझे अपने पापों के लिए क्षमा करें।
उसी समय महावीर आध्यात्मिक शुद्धता की चरम सीमा तक पहुंच गए। उन्हें एक ऐसे विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ जिससे उन्हें ये पता चला कि कोई भी भौतिक वस्तु इस पूरे विश्व में कहां पर स्थित है। अपनी जीवन यात्रा में प्रभु एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बीच में एक नदी आई। नदी पार करने के लिए प्रभु नाव में बैठे। नदी पार करने पर जब वो नाव से उतर रहे थे, ओ महाराज, अरे भाड़ा तो निकालो। बंधु, मैं स्वयं एक भिक्षुक हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है तो फिर नाव में क्यों बैठे हो? तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। देखो, मैं सामने जाकर वापस आता हूं, तब तक इस गर्म रेती में बैठे रहो। अपनी सजा को स्वीकार कर प्रभु महावीर रेत में बैठ गए। उसी समय दूसरी नाव आई। उसमें राज्य के सेनापति स्वयं सवार थे। उन्होंने ये देखा और महावीर को पहचाना। वे तुरंत अपनी नाव से उतरकर वहां पर आए। अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? तू जानता है तू किसके साथ यह व्यवहार कर रहा है? यह हमारे राजकुमार हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल अभी भुगतना पड़ेगा। और क्रोधित होकर उन्होंने नाविक को मारने के लिए तलवार निकाली। नहीं सेनापति, उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसने तो सिर्फ मुझे अपनी गलती का दंड दिया है और मैंने उसे अपनी प्रसन्नता से स्वीकार किया है। स्वामी, आप महान हैं। आपकी करुणा और दया अपार है। इस तुच्छ नाविक को आपने जीवन दान दे दिया, नहीं तो मैं उसे अवश्य सजा देता। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपको पहचान न सका। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। नाविक को अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ। ऐसा था प्रभु का न्याय और उनकी करुणा। तीन दिन उपवास रखने की शपथ लेने के बाद तीर्थंकर महावीर गांव के बाहर पोताला बाग में स्थित पोशाला नामक एक छोटे से मंदिर में शांति से खड़े होकर साधना में जुट गए। वे अपनी साधना में इस प्रकार खो गए कि एक बैल ने उन्हें खंभा समझकर अपना पार्श्व उनसे रगड़ने पर भी उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ। उनकी एकाग्रता, समझदारी एवं दृढ़ सहनशीलता को देखकर देवाधिदेव इंद्र उनके गुण गा रहे थे। क्षमाशीलता प्रदान करने में महावीर समान कोई नहीं। वे विपत्तियों को सहन करने में पृथ्वी समान है, दृढ़ आग्रह में पर्वत समान है, आध्यात्मिक प्रयत्नों में सागर समान है और चित्त की एकाग्रता में वे चट्टान समान है। उनके स्वयं स्वीकृत आध्यात्मिक पथ से उन्हें कोई भी मानव, देव या दानव विचलित नहीं कर सकता। इंद्र की ये बात संगम नामक देवता को अतिशयोक्ति लगी। हे भगवान, मैं आपसे पूरी तरह से असहमत हूं। कोई भी मानव भगवान से ऊंचा नहीं हो सकता। यह बात मैं आपको साबित कर सकता हूं। कृपया मुझे इस बात की अनुमति दीजिए। इंद्र ने इस सरसों के बीज को पहाड़ बनाकर रखा है। मैं इस पहाड़ को दोबारा सरसों का बीज बना दूंगा। हे महावीर, इसे संभालो और हो सके तो अपने आप को बचा लो। हा 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 हा।
आह, कोई बात नहीं, अब इन चीटियों से अपने आप को बचाओ। अब इन मच्छरों का सामना करो। ओह, कोई फर्क नहीं, बिच्छुओं अपना छल दिखाओ। अब मुझे इन्हें धोखा देना होगा। संगम देवता ने अपने माया जाल से महावीर स्वामी को माता बनाकर हे प्रिय पुत्र, हमारी दशा को देखो, हम बहुत दुखी है। इस बुढ़ापे ने हमें अत्यंत कमजोर बना दिया है। तुम इतने दिन कहां थे पुत्र? तुमने हमें क्यों छोड़ दिया जब हम इस बुढ़ापे से असहाय है? आह, इनकी मानसिक शांतता तो अब भी प्रस्थापित है। अब इन्हें कुछ सहायक संकटों का सामना करने दो। ओ मेरे प्यारे, तुम कितने जवान और नाजुक हो। तुम क्यों अपने शरीर को इन कठोर तपों से नष्ट कर रहे हो? तुम इतने जवान हो, यही उम्र है जब तुम्हें इंद्रिय बोधों के सुखों में विलीन रहना चाहिए। हे देव संगम, हमने आपको निराश किया है, कृपया हमें क्षमा करें। नहीं, ये देवी युवतियां भी आ गई। अब समय आ गया है कि मुझे ऐसी स्थिति का निर्माण करना होगा जिससे निकलने के लिए इस महावीर को दूसरे देवताओं की मदद लेनी ही होगी। इस महावीर को देवपद की श्रेष्ठता को पहचानना होगा। आहा, इन पर आग का भी कोई असर नहीं हुआ। अब पक्षियों को इन्हें चोंच मारने दो। इतने सारे संकटों का सामना करने पर भी महावीर मेरु पर्वत की तरह शांत और अचल थे। ये देखकर संगमा अधीर हो उठा। थक कर अंत में उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण हथियार काल चक्र का अपमान किया। ये मैं क्या देख रहा हूं, इस काल चक्र का भी महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। महावीर तो पूजनीय हैं, मुझे इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। हे पूजनीय प्रभु, मैं हूं संगम। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप केवल मानवों के ही नहीं बल्कि भगवानों के भी पूजनीय हैं। आपका स्वयं नियंत्रण और स्वयं पर विजय पाने की शक्ति विस्मयकारी है। क्षमाशीलता का आप एक अनुपम उदाहरण हैं। आपकी सहनशीलता अद्भुत है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ओह, अब इस तुच्छ जीव का क्या होगा? प्रभु महावीर की आंखें करुणा से भर आईं। ऐसे थे करुणा मूर्ति महावीर। इस दयालु भगवान की आंखें
मेरे लिए करुणा से नम गई हैं। इससे मुझ जैसे पापी को जरूर क्षमा मिलेगी। महावीर कौशाम्बी नगर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपना उपवास तोड़ने का अनुपम निश्चय किया। लेकिन उपवास तोड़ने की उनकी कई शर्तें थीं। वो ये कि उन्हें भोजन के बाद हवा करने वाली टोकरी के कोने से काले उबले हुए सेम भिक्षा में दिए जाएं, और भिक्षा देने वाले इंसान का एक पैर घर की दहलीज के अंदर हो और दूसरा बाहर। भिक्षा देने वाला व्यक्ति एक ऐसी राजकुमारी हो जो एक पवित्र सती थी, लेकिन जिसे बाद में दासी बनाया गया हो। उसके पैरों में जंजीरें हो और आंखों में आंसू हो। उसके सिर का मुंडन किया गया हो और उसने 3 दिन का उपवास रखा हो। एक व्यापारी थे जिनका नाम था धनवाहा। उन्होंने दासी बाजार से एक चंदन बाला नाम की नौकरानी को खरीदा था। वे उसे अपनी बेटी की तरह पालते थे। जब धनवाहा अपनी व्यावसायिक यात्रा से लौटते थे, तब चंदन बाला उन्हें जल देती थी और उनके पांव धोती थी। एक बार चंदन बाला उनके पांव धो रही थी, तब उसके बाल धनवाहा के पांव पर गिर पड़े। धनवाहा ने उसके बालों को उठाया ताकि वे गीले न हों। धनवाहा की धर्मपत्नी मूला ने यह देखा और वो ईर्ष्या की आग में जलने लगी। मेरी प्रिय चंदन बाला, इस मैले जल से तुम्हारे बाल भीग रहे हैं। कोई बात नहीं स्वामी, यह जल मेरे लिए अति पवित्र है। ये लड़की अपने आप को बहुत चतुर समझने लगी है। किसी दिन मुझे इसका कुछ तो करना होगा। जब धनवाहा अपनी अगली व्यावसायिक यात्रा पर निकल पड़े, तब मुला ने चंदन बाला की बहुत जोरों की पिटाई की, उसके सिर का मुंडन किया और उसे जंजीरों में बांधकर अंधेरे तहखाने में डाल दिया। उसे 3 दिन तक कोई भोजन नहीं दिया। हे दासी, ये तुम्हारा दंड है। अब इस केशविहीन सर को लेकर मेरे पति के सामने जाने का साहस करो। जब धनवाहा कौशाम्बी पहुंचे, तब उन्हें इस घटना का पता चला। उन्होंने चंदन बाला को तहखाने से छुड़वाया। बाहर निकलो मेरी बच्ची, अब कोई चिंता की बात नहीं, मैं जो आ गया हूं। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। यह सेब खाओ, तब तक मैं किसी लुहार को लाता हूं तुम्हारी ये संजीरे कटवाने के लिए। हे माते, मुझे कोई भिक्षा दो। योगी महाराज, आपको देने लायक मेरे पास इस समय इन काले सेमों के अलावा कुछ भी नहीं है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। महावीर ने चंदन बाला से उबले हुए काले सेम स्वीकार किए और अपने 6 मास का उपवास तोड़ा। चंदन बाला भाग्यशाली और धन्य हुई। आकाश से उसके ऊपर 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई। आकाश से दैवी शब्द गूंजे, अद्भुत दान, अद्भुत दान। चंदन बाला के पांव की जंजीरें सुवर्ण पायलों में बदल गईं और उसकी सुंदरता में एक नया निखार आया। कौशाम्बी के सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए। उन्होंने आनंद और दुख का मिश्र भाव अनुभव किया। आनंद इसलिए कि महान योगी ने 6 मास का उपवास तोड़कर अन्न ग्रहण किया था, और दुख इसलिए
कि वे जान चुके थे कि चंदन बाला वास्तव में एक राजकुमारी थी जिसे युद्ध के परिणाम स्वरूप बाजार में एक दासी के रूप में बेचा गया था और उसे निरंतर अपमान और दुख सहन करने पड़े थे। सारे लोग युद्ध की भयानकता को समझ गए। युद्ध में कई युवक मारे जाते हैं, फसलों और जानवरों का नाश होता है, बच्चे अनाथ होते हैं। सबको युद्ध में भाग लेने का पश्चाताप हुआ। अत्यंत कठोर अवस्था में 12.5 साल तप किया। वे घने जंगलों में रहे और रोज नई चुनौतियों का सामना करते थे। निर्भयता और सहनशीलता का ऐसा अनुपम उदाहरण कभी किसी ने देखा या सुना नहीं था। तीर्थंकर महावीर ने क्रोध और घृणा के विरोध में प्रेम और स्नेह का उपयोग किया। जो लोग उन्हें कष्ट पहुंचाते थे या जो उनका बुरा चाहते थे, उनके लिए भी महावीर के मन में हमेशा मित्रता और करुणा होती थी। उनका ध्यान किसी भी परिस्थिति में कभी फिर चाहे वो किसी सुनसान मंदिर में या किसी शमशान भूमि में ध्यान कर रहे हों, चाहे चुभती हुई सर्दी में या जलने वाली धूप में ध्यान कर रहे हों, ध्यान की खड़ी हुई मुद्रा में इतने शांत और गतिहीन होते थे कि बैल उन्हें एक खंभा समझकर उनके शरीर पर अपना पार्श्व रगड़ते थे। देव दानव मानव और जानवरों ने उनके ध्यान में विघ्न डालने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन महावीर ने प्रसन्नता और समचित्तता से इन चुनौतियों को सहन किया। न उन्हें मित्रों से अनुराग था, न शत्रुओं से द्वेष। नैतिक ध्यान की अति उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के बाद महावीर ने शुद्ध ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। अपने सन्यासी जीवन के 4,515 दिनों के अभ्यास में उन्होंने केवल 339 दिन ही अन्न ग्रहण किया, और वो भी जो उन्हें भिक्षा में मिला, केवल वही अन्न ग्रहण किया। सन्यासी जीवन के 13वें साल में महावीर रजवालिका नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक सागवान के पेड़ के नीचे ध्यान आरंभ किया। जब चंद्रमा तारा मंडल के उत्तर फाल्गुनी से समुचय बोध था, तब तीर्थंकर महावीर को अपने आध्यात्मिक अभ्यास का अति उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ। दुख, क्लेश और मानसिक पीड़ा से त्रस्त इस जग में प्रेम, शांति और मित्रता की ठंडी लहर बहने लगी। महावीर ने शुद्ध ध्यान प्राप्त किया था और वे सर्वज्ञानी बन गए। आत्मा को गंदा करने वाले 4 कर्मों को उन्होंने नष्ट किया। वे 4 कर्म थे, भ्रमित करने वाले कर्म, ज्ञान ढकने वाले कर्म, दृष्टि ढकने वाले कर्म और बाधा पहुंचाने वाले कर्म। तीर्थंकर योग्य विजेता अरिहंत बन चुके थे। वे 8 मांगलिक वस्तु प्रतिहई से पूजनीय योग्य बने। वे जिन बने, उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसन्नता से अभिभूत हुए देव तीर्थंकर महावीर के जीवन के इस 4थे शुभ अवसर में शामिल होने आए। उन्होंने तीर्थंकर को प्रणाम किया। सागवान के पेड़ के नीचे तीर्थंकर महावीर ने कुछ घटक ध्यान किया था, जब उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सर्वज्ञ बन गए।
तीर्थंकर महावीर के पहले प्रवचन के लिए निर्माण हो रहे सभा मंडप को इंद्र ने अपने अनुचर समूह के साथ स्वयं निरीक्षण किया। वायुदेव ने पृथ्वी पर से धूल, मिट्टी, गंदगी और कांटों को साफ किया। वर्षा के देव ने जमीन पर सुवासित जल छिड़का। छह ऋतुओं के सभापति देवों ने पांच रंगों के फूल बरसाए। भुवनपति देवों ने एक चांदी का किला दुर्ग बनाया जिसमें 10,000 सीढ़ियां थी। और ज्योतिषी देवों ने एक सुवर्ण किला बनाया जिसमें 5,000 सीढ़ियां थी। पूरे सभा मंडप में 3 किले थे। हर किले के 4 प्रवेश द्वार थे और हर प्रवेश द्वार में देवी देवताएं द्वारपाल बनके खड़े थे। पहले किले में वाहनों के लिए वाहन तल बनाया गया। दूसरे में पंछियों और जानवरों के लिए सभा मंडप बनाया गया। तीसरे में मानवों और देवी देवताओं के लिए सभा मंडप बनाया गया। इनके ठीक बीच में एक अशोक का पेड़ रखा गया जिसे फूल मालाएं और ध्वजों से सजाया गया। इस पेड़ के ऊपर एक छतरी लगाई गई। पेड़ के नीचे चारों दिशाओं की तरफ मुख किए हुए 4 सिंहासन रखे गए। देवताओं ने अशोक के पेड़ पर पुनः एक सागवान पेड़ को उत्पन्न किया, एक ऐसा ईश्वरीय पेड़ जिसके नीचे तीर्थंकर को शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस पवित्र सभा मंडप में प्रवेश करने पर तीर्थंकर महावीर ने अशोक के पेड़ के 3 बार चक्कर लगाए और पूर्व दिशा की ओर स्थित सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति से अपने 3 और शरीर निर्माण किए जो बाकी 3 सिंहासनों पर विराजमान हुए। इस वैभवशाली और ईश्वरीय सभा मंडप में तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा, त्याग और आत्मसंयम पर अपना पहला प्रवचन दिया। महारानी मृगवती पर कई दुखों के पहाड़ टूट पड़े। उनके पति का आकस्मिक देहांत हुआ था और कौशाम्बी राज्य को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई थी। उनका पुत्र उदयन अब भी एक बालक था। महारानी मृगवती एक प्रेमी माता और एक कुशल शासक थी। उज्जैनी के राजा प्रज्ञोद एक कामातुर मनुष्य था जिसे अपनी लालसा पर कोई संयम नहीं था और जो सही और गलत के बीच का फर्क नहीं समझता था। वो महारानी मृगवती के विचारों में खोया रहता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए उसने कौशाम्बी पर हमला करने का निर्णय कर लिया। सेनापति, पूरी सेना को एकत्रित करो, हमें कौशाम्बी पर हमला करना है। ये संदेश महारानी मृगवती के पास लेकर जाओ और दरबार में सबके सामने इसे जोर से पढ़ो। और महारानी जो संदेश देगी उसे वापस लेकर आओ। मैं उज्जैनी का राजा प्रज्ञोद, मैंने कौशाम्बी को चारों ओर से घेर लिया है और अगर महारानी मृगवती ने मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया तो मैं पूरे कौशाम्बी को नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अपने राजा तक ये संदेश पहुंचाना। हे राजा प्रज्ञोद, कृपा करके
मुझे आपके इस प्रस्ताव पर सोचने की थोड़ी अवधि दें। मेरे पति का हाल ही में देहांत हुआ है, अभी तक तो शोक की अवधि भी पूरी नहीं हुई है। राजकुमार उदयन अभी भी छोटे बालक हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने राज्य के प्रशासन को ठीक रखूं। कई सारे राज्य मेरे राज्य पर दृष्टि लगाए हुए हैं कि वे कब उस पर आक्रमण करके उसे प्राप्त करें। मैं ये जानती हूं कि अगर हमने विवाह कर लिया तो हमारे राज्य शक्तिशाली और अजेय बन जाएंगे, लेकिन वो समय अभी आया नहीं है, इसलिए आप कुछ और प्रतीक्षा कीजिए। जब सही समय आएगा तब मैं स्वयं ही आपको उसके बारे में लिखकर बताऊंगी। सेनापति, सेना को वापस उज्जैनी बुला लो। महारानी मृगवती की योजना सफल हुई। उन्हें अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने का समय मिला। उन्होंने किलेबंदी करवाई, उन्होंने शस्त्र इकट्ठा किए, भारी मात्रा में अनाज इकट्ठा किया। सन्निकट युद्ध की उन्होंने पूरी तैयारी की। राजा प्रद्योत महारानी मृगवती के निमंत्रण की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत दिन हो गए लेकिन उन्हें मृगवती से कोई बुलावा नहीं आया। उन्होंने महारानी को संदेश पर संदेश भेजे लेकिन उन्हें महारानी से कोई भी उत्तर नहीं मिला। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने रानी से युद्ध करने की तैयारी की। सेनापति को बुलाओ, हमें कौशंबी पर हमला करना है। आदरणीय महावीर अरविया नगर से कौशाम्बी में प्रवेश कर चुके थे और चारों ओर शांति और मित्रता का प्रसार हो रहा था। महारानी मृगवती जानती थी कि महावीर ही जो शांति के देवदूत थे इस सन्निकट युद्ध को रोक सकते हैं। अपने छोटे बालक उदयन के साथ वो तीर्थंकर महावीर की पवित्र सभा में उनका प्रवचन सुनने के लिए गई। राजा प्रद्योत भी अपनी रानियों के साथ उस सभा में उपस्थित थे। हे मित्रों, अपने आप से लड़ो। अपने अंदरूनी शत्रु जैसे क्रोध और लालच से लड़ो और उनकी पराजय करो। बाहर के शत्रुओं से भला क्यों लड़ना, बाहर की लड़ाई निरर्थक होती है। जो हजारों साहसी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है उससे भी वो महान विजेता है जो अपने आप पर विजय प्राप्त करता है। अपने आप को गिरने से बचाने के लिए हमेशा अपने मन को पवित्र रखो। अपने मन को साहसी और सहनशील बनाओ जो लालसा और अभिलाषा से न बिगड़े। इससे आप कभी हारेंगे या अपमानित नहीं होंगे और आप हमेशा शांत रहकर कभी उत्तेजित नहीं होंगे। महावीर की जय हो, महावीर की जय हो। हे राजा प्रद्योत, आपकी अनुमति से मैं महावीर के नेतृत्व में एक सन्यासिन बनना चाहती हूँ। महावीर का प्रवचन सुनकर राजा प्रद्योत की भावना भी पवित्र हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने बिना हिचकिचाहट महारानी को अनुमति दे दी। हे राजा, आज के पश्चात आप मेरे पुत्र उदयन को अपना पुत्र समझिए। आप कृपा करके उसकी देखभाल कीजिए। आप उसके संरक्षक और उसका हित चाहने वाले बनिए। उसे एक सर्वश्रेष्ठ और परोपकारी राजा बनने का प्रशिक्षण दीजिए। हे महारानी, मैं उत्तेन को अपना पुत्र समझकर उसका ख्याल रखूंगा और उसे राजनीति की शिक्षा दूंगा। आप अपने पुत्र की सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और एक जैन साध्वी का जीवन अपनाइए।
भगवान महावीर की शिक्षा से युद्ध और रक्तपात रुक गया। उसके बदले में विश्वव्यापी प्रेम फैल गया और मोह माया से मुक्ति मिली। कौशाम्बी नगर में सुख और शांति फैल गई। सर्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद 13वें साल में पूजनीय महावीर राजगृह से पावापुरी गए। वहां पर वर्षा के 4 मास वे राजा हस्तिपाला के लिपिक के घर रहे। सर्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद 13वें साल में पूजनीय महावीर राजगृह से पावापुरी गए। वहां पर वर्षा के 4 मास हे विद्वान संतो, हम सब दुखी हैं। हम सब ये सोच रहे हैं कि क्या हम तीर्थंकर का दिव्य रूप फिर से देख पाएंगे, क्या हम फिर से उनका उदार व्याख्यान सुन पाएंगे। हे पावापुरी के प्रिय नागरिकों, तीर्थंकर महावीर ने हमें यह उपदेश किया है कि दुख हो या ना हो, दोनों भी स्थितियों में शांत रहो, विचलित ना हो। हम सब ये जानते हैं कि तीर्थंकर महावीर को शरीर त्यागने पर मुक्ति मिलेगी, इसलिए हमने अपने दुख छोड़कर महावीर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देव भी गहरी उदासीनता में थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। अगर मैं महावीर के मृत्यु की घटना को कुछ देर स्थगित करता हूं तो समझो कि हमने ये लड़ाई जीत ली है। बाद में मैं ये देखूंगा कि महावीर कुछ और साल जिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो एक निर्णायक पल का उत्तरजीवी होता है वो 100 साल तक जीता है। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। हे पूजनीय महावीर, मैं आपके ध्यान में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपका गर्भ में धारण होना, जन्म, पहला कदम लेना और सर्व ज्ञान प्राप्त करना, ये सभी तब हुआ जब हस्तोतारा तारामंडल से गुजर रहा था, जिससे ये सूचित होता है कि आपकी मृत्यु का समय आ गया है। ये अवधि अशुभ है, इसलिए अच्छा ये होगा कि आप अपनी मृत्यु को स्थगित कर दें। आप ये सहजता से कर सकते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञानी एवं सर्वशक्तिमान हैं। हे इंद्र, आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपको मेरे शरीर से अनुराग है। आप विश्व का ये नियम भूल रहे हैं कि एक जीवन के फैलाव को लंबा नहीं किया जा सकता है। एक तीर्थंकर हो या साधारण मानव, कोई भी अपने जीवन काल को जरा भी बढ़ा नहीं सकता। निर्वाण स्वामिनी ज्ञान दीप के द्रव्य दीप का। तीर्थंकर महावीर ने अपना अंतिम प्रवचन दिया। कुछ घटक चले इस प्रवचन में। महावीर ने पहले 55 अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए शुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया और फिर अगले अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए अशुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया। प्रवचन के अंत में वे धीरे धीरे अपनी मानसिक और मौखिक सक्रियता पर रोक लगाते गए। उनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया क्योंकि भ्रमित करने वाले कर्म उनकी आत्मा से पूरी तरह से अलग हो गए थे। इससे शेष 3 कर्म भी जो थे
ज्ञान को ढकने वाले कर्म, दृष्टि को ढकने वाले कर्म और बाधा करने वाले कर्म भी दूर हो गए। अंत में उन्होंने अपने शरीर की पूरी सक्रियता पर रोक लगाई और इस शरीर और उसके कर्मों से वे पूरी तरह मुक्त हुए। उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। वे निर्मल, ज्ञानवर्धक, परिपूर्ण और निष्कलंक बने। तीर्थंकर महावीर की जय हो। तीर्थंकर महावीर की जय हो। शुक्ल चैत्र पूजनीय महावीर की मृत्यु हुई, सारे जग में दीप जला, पवित्र अंत्येष्टि की तैयारी करो। देवताओं ने गोशिशी चंदन लाकर चिता बनाई। महावीर के शरीर को सुगंधित दुग्ध जल से स्नान कराया गया। हरिचंदन का लेप लगाकर उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाए गए। सुवर्ण एवं हीरों के जवाहरात पहनाए गए और सुवर्ण मुकुट पहनाया। फिर उन्होंने आदर पूर्वक शरीर को उठाकर विशेष रूप से बनाई हुई पालकी में रखा। कुछ देव संगीत वाद्य बजा रहे थे। महावीर की अंत्येष्टि देवताओं ने बड़े गौरव के साथ की। सिंहासन भेजे शक्रोक्तारोपित प्रभु। तीर्थंकर अपने निर्वाण के सुनिश्चित काल से अवगत थे। उन्होंने अपने मुख्य तपस्वी शिष्य गौतम को अन्यत्र किसी गांव में भेज दिया था। वे जानते थे कि गौतम उनकी मृत्यु के दृश्य को सहन न कर सकेगा। महावीर के निर्वाण की खबर उसे दूसरे दिन मिली, तब वो अंतःकरण तक कांप उठा। उसके हृदय को चोट पहुंची और उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ थे, फिर आपने मुझे अपने आप से अपने निर्वाण के समय दूर क्यों रखा? क्या आपको शक था कि मैं किसी बालक की तरह आपके देह से आपके प्राण को मुक्त होने से रोक लेता? या आपके प्रति मेरे भक्ति में कोई कमी थी? अब मैं किसके चरणों पर सर रखूं? मैं किसके प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करूं? हे प्रभु, यह आपने क्या कर दिया? हे प्रभु, आपने जाते समय मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले लिया? श्रद्धालु महावीर संपूर्ण रूप से विरक्त थे, फिर मैं क्यों कर इतना अनुरक्त हूँ? मैं उनकी दैहिक रूप की पूजा में ही क्यों मग्न हूँ, जबकि उनकी आत्मा अलौकिक गुणों से परिपूर्ण है? आसक्ति तो आसक्ति ही है, चाहे वह साधारण पार्थिव वस्तुओं के लिए हो या महान श्रद्धेय संत के प्रति। तीर्थंकर अपने निर्वाण के सुनिश्चित काल से अवगत थे। उन्होंने अपने मुख्य तपस्वी शिष्य गौतम को अन्यत्र किसी गांव में भेज दिया था। वे जानते थे कि गौतम उनकी मृत्यु के दृश्य को सहन। तीर्थंकर अपने निर्वाण के सुनिश्चित काल से अवगत थे। उन्होंने अपने मुख्य तपस्वी शिष्य गौतम को अन्यत्र किसी गांव में भेज दिया था। वे जानते थे कि गौतम उनकी मृत्यु के दृश्य को सहन न कर सकेगा। महावीर के निर्वाण की खबर उसे दूसरे दिन मिली, तब वो अंतःकरण तक कांप उठा। उसके हृदय को चोट पहुंची और उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगा।